हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी मैं खड़ा हूँ ऋषिकेश में और देख सकते हैं मेरे पीछे आप से परमार्थ आश्रम। और अभी सुबह सुबह जो मैं यहाँ आया यार, इतना मज़ा आ गया है। अभी सो के उठा, सीधा देखा कितनी ठंडी हवा। इससे पहले मैं आया था लेकिन कैमरा नहीं लाया था, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं दौड़ के गया, उसके बाद कैमरा लेके आया। नज़ारा देखो, बस मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा। सुबह सुबह यहाँ आ जाओ ना, दिल खुश हो जाता है यार, मज़ा आ जाता है। और अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कहाँ पर नहा जाए, घाट तो पूरा ही बना है। और ये नहीं कि यहाँ नहीं नहाना वहाँ नहीं नहाना, आप कहीं भी खड़े होकर नहा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं सोच रहा हूँ कहाँ नहाया जाए, और कुछ भी कहो एक अलग एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा, काम धाम हमेशा होता रहेगा, बस कभी घूमने भी आ जाओ यार, मज़ा आ जाएगा। और ये देखिए सीढ़ियाँ, चलते हैं नीचे की ओर, मज़ा आ जाएगा। अरे यार, काम धाम हमेशा करते रहना भैया, बस टिकट कराओ, निकलो, घूमो, जिंदगी है, घूमते रहो, काम तो हमेशा करना है। मज़ा आ गया। अब चलते हैं, नहाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आज कहाँ कहाँ जा जाए। आज हम लोग जाएंगे नीलगढ़ वाटरफॉल और त्रिवेणी घाट पर भी चलेंगे। और देखिए मैं किधर से गुजर रहा हूँ, ये यहाँ पूरा गंगा मैया जी। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा दूँ, कुछ भी यार मज़ा आ रहा है यहाँ पे, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पर। और ये मेरी सोलो ट्रिप है, देख सकते हैं मैं आ गया हूँ यहाँ पर। ये देखिए गंगा भैया, और पानी यहाँ का इतना साफ है कि पूछो ही ना, अंदर के सारे पत्थर भी दिख रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही साफ पानी और बहुत ही ठंडा पानी भी है गुरु, कुछ भी कहो। अब चलते हैं, पहले नहाते हैं, उसके बाद ही फिर आपसे मुलाकात होती है ना। चलो फिर वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं आपको और बहुत सी सारी। तो दोस्तों स्नान तो हो चुका है और बहुत ही ठंडा पानी, यार मज़ा आ गया। देख सकते हैं वो वहाँ जो पत्थर है वहीं पर मैंने नहाया, और नहा के एकदम पूरा मतलब यार ठंडी लग रहा। पहले डुबकी में इतनी ठंडी लगी मुझे कुछ भी ना, लेकिन फिर उसके बाद दूसरी डुबकी में सब कुछ एकदम सेट हो गया था, फिर टेम्परेचर सही नफरा बना लिया था और फिर मज़ा ही आ गया। वो पत्थर जो दिख रहा है आपको, उसने यार मज़ा, मतलब वहीं बैठ के मैंने नहाया, वहीं लेटा, वहीं मैंने फ़ोटो भी खींची अपने खुद की, मज़ा ही आ गया यार। चलो अब पहनते हैं कपड़े, उसके बाद निकलते हैं अपने अगले प्रस्थान पर, यहाँ पर अगले अपने डेस्टिनेशन पर निकलते हैं। उसके बाद वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं, फिर कुछ भी कहो यार मज़ा आ जाता है। जो वहाँ का है पूरा व्यू लगभग नहीं होता यार, ठीक है। हाँ यार क्या कर रहा हूँ, सुबह मैं नहा कर रेडी हो गया हूँ और अभी वहीं पर हूँ। मैं जा रहा हूँ जानकी सेतु की तरफ, मैंने कपड़े वही पहन लिया, जीन्स वेंस था लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। लोअर में जितना कंफर्टेबल लगता है उतना जीन्स में नहीं लगता है, इसलिए मैंने फिर से लोअर ही पहन लिया। तो वहाँ पर चलो था होगा, तो मैं वहीं पर जाना है परमार्थ आश्रम के पास, उधर से ही चलेंगे हम लोग घूमने। तो हम लोग आ गए हैं जानकी सेतु तरफ, और देखिए यहाँ पर घाट है और यहाँ पर कितने लोग नहा रहे हैं। लगभग सभी लोग यहाँ पर नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सब लोग दूर दूर से आए हुए हैं, पूरे देश विदेश सभी जगह से आए हुए हैं यहाँ पर। और जो बता रहा था परमाता को, वहाँ पर मतलब हिंदू जो हैं अंग्रेज भी है, वही लोग यहाँ वहाँ पर योगा करवाते हैं अंग्रेज लोग। कितने वहाँ जाकर क्या एक्सपीरियंस मिलता है तभी मज़ा आएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग स्नान कर रहे हैं, तो चलिए फिर वहीं पर चल के मिलते हैं। और गाइस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, तो वीडियो करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं। तो नज़ारा एकदम खूबसूरत है, आओ भैया जल्दी आओ, तुम्हारा इंतज़ार है यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।